हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। डिफरेंशियल इक्वेशन पे काफी सारे मैं वीडियोस अभी फिर से अपलोड कर रहा हूं, तो आईटी पे जाके मेरे वीडियोस आप देख सकते हैं। इसमें मैं आज आपके सामने पढ़ाने वाला हूं पर्टिकुलर इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का। पर्टिकुलर इंटीग्रल में मैं आपको बता चुका हूं कि ई की पावर एक्स का कैसे हम पीआई निकालते हैं, साइन और कोस का कैसे निकालते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्स की जो टर्म होता है उसका हम पीआई कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ऐसा दे रखा है तो उसका पीआई कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें जो पुराने वीडियोस वो आप इधर देख लेंगे आईटी पे, या आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा ये वाला देखना, राइट। सो देखिए इसमें कैसे करेंगे, यहाँ पे जब भी हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है, राइट, सिम्बॉलिक फॉर्म दे रखी है तो सिम्बॉलिक फॉर्म हम डिनोमेटर में लेके जाएंगे, है ना। देन फिर हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाके बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसको एक्सपांड करेंगे, देन उसका हम यहाँ पे क्या करेंगे पीआई निकालेंगे। एग्जांपल लेता हूँ इसमें आपके सामने, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल दे रखा है डी स्क्वायर प्लस टू डी प्लस वन इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन दे रखा है आपको इसका पीआई निकालना। चलो पहले एक बार सीएफ के बारे में हल्का सा आइडिया ले लेते हैं कि यार सीएफ हमारे पास क्या होता है। तो इसमें सॉल्व करेंगे तो एम की वैल्यू माइनस वन, एन माइनस वन आ रही है, इसका जो सीएफ आएगा वो आएगा सी वन प्लस सी टू एक्स ई की पावर माइनस एक्स आएगा। इसमें इसका पी आई निकालेंगे तो पी आई मैंने आपको बोला क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई नीचे आएगा डी स्क्वायर प्लस टू डी प्लस वन। सो इसमें जब भी हमारे पास ऐसा दे रखा है तो हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म को कॉमन निकालते हैं, जैसे डी स्क्वायर टू डी और वन है तो अगर बाई चांस डी स्क्वायर और टू डी होता तो टू डी कॉमन निकालते, पर यहाँ पे वन है तो वन कॉमन निकालेंगे, राइट। तो वन निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यार वन निकालने पर तो वन ही हो रहा है यहाँ पे, राइट। तो वन प्लस डी स्क्वायर प्लस टू डी और इसको हम ऊपर ले जाके इन्वर्स लिख देंगे, राइट। जब इसको आप ऊपर ले जाके इन्वर्स लिखेंगे तो ये आएगा डी स्क्वायर प्लस टू डी, है ना। इसमें यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिख दो और फिर इसको ऐसा लिख दो और ऊपर जाके ये हमारे पास क्या आएगा, इन्वर्स हो जाएगा। इसमें यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन का फार्मूला याद रखना जरूरी है। दो फार्मूले होते हैं, एक होता है वन प्लस एक्स का इन्वर्स, एक होता है वन माइनस एक्स का इन्वर्स। इसमें जब भी दोनों माइनस माइनस है तो सभी टर्म प्लस होती है, याद रखने की जरूरत है, ट्रिक है, है ना। अगर माइनस माइनस हमारे पास प्लस होता सभी टर्म प्लस हो जाएगी, और प्लस माइनस है तो इसमें यहाँ पे प्लस माइनस होता जाएगा हमारे पास, राइट, अल्टरनेट प्लस माइनस आता जाएगा और यार ये हमारे पास क्या होगा, इसका एक्सपेंड होगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या, इसमें प्लस आ रहा है, ये माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे अल्टरनेट प्लस माइनस आता जाएगा। तो वन माइनस ये आएगा डी स्क्वायर प्लस टू डी प्लस ये आएगा डी स्क्वायर प्लस टू डी का होल स्क्वायर, ऐसे हमारे पास टर्म आती जाएगी। पर सुन, मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना निकल सकता है। देखो एक बार करेंगे तो टू एक्स प्लस वन, दूसरी बार करेंगे तो टू, पर तीसरी बार में जीरो हो जाएगा। मतलब यहां पे जो एक्सपेंशन है इसमें डी स्क्वायर तक की टर्म काम की है, बाकी टर्म को हम यहां पे नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। अगर डी क्यूब में आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे भी जीरो हो जाएगा, तो उसका कोई यूज नहीं, राइट। पहले इसको एक्सपेंशन में थोड़ा सा इज्जत दे देते हैं, तो वन माइनस डी स्क्वायर माइनस टू डी, और इसमें यहां पे डी स्क्वायर की जो टर्म आएगी डी स्क्वायर टू डी में ये जो टर्म होगी ये हमारे काम की, इसका स्क्वायर कर दीजिए दैट इज फोर डी स्क्वायर, बाकी टर्म को आप छोड़ दीजिए वो हमारे काम की नहीं है, राइट। थोड़ा सा उधर कर देता हूँ यहाँ पे, है ना, कलर चेंज कर दो ताकि आपको समझ में आए, राइट। तो यार y इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, सुन वन माइनस, ध्यान दीजिएगा वन माइनस टू डी, और सुन ये हो रहा है माइनस डी स्क्वायर और फोर डी स्क्वायर, तो सुन ये प्लस का थ्री डी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। एंड ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, जब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास सुन वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू डी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एंड ये आएगा हमारे पास थ्री डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, राइट। इसमें ये टर्म आएगी, जब हम जानते हैं इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का दो बार कर, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो टू एक्स प्लस वन, तो ये आएगा माइनस का टू एक्स प्लस वन आ जाएगा, और जब इसका एक बार करेंगे टू एक्स प्लस वन, दूसरी बार करेंगे टू, तो टू इंटू थ्री, तो ये सिक्स हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे यहाँ पे पी आई आ जाएगा, एंड देन फाइनल आंसर हो जाएगा सी ए प्लस पी आई। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व करते हैं। इसमें आपके सामने एक दो एग्जाम्पल और लेता हूँ। मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसमें इसका जो सी एफ आएगा मैं आपको बता, देखो सी एफ तो मैं बता चुका हूँ, फिर भी हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ ताकि क्या है कि आपको समझ में आए। इसमें एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इम्प्लाइज, है ना, इंटू एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। आप जानते हैं सुन एम इज इक्वल टू प्लस माइनस ए आयोटा, एंड एम इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, ये हमारे पास आ जाएगा, राइट। इसमें वाई इज इक्वल टू, इसका सबसे पहले हम सी एफ लिखेंगे, ये रियल वाला रूट लिख देते हैं, तो ये आएगा हमारे पास सी वन ई की पावर ए एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस ए एक्स प्लस सी थ्री कॉस ए एक्स प्लस सी फोर साइन ए एक्स। सुन ये इसका हमारे पास सी एफ होगा। अब बात करते हैं सुन पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या करते हैं, सुन पूरा का पूरा सिंबॉलिक फॉर्म को नीचे लेके जाएंगे तो एक्स पावर फोर, ये आएगा हमारे पास
डी पावर फोर माइनस ए पावर फोर। सुन जो कांस्टेंट है इसको कॉमन निकालेंगे हम, तो सुन ये कॉमन आएगा तो माइनस का ए पावर फोर कॉमन आ जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास एक्स पावर फोर, ये माइनस है तो ये वन हो जाएगा और ये हो जाएगा डी पावर फोर अपॉन ए पावर फोर, राइट। एक्चुअली होगा क्या है, सुनिए माइनस ए पावर फोर बाहर निकालेंगे तो ये वन हो जाएगा और ये माइनस ए पावर उसके नीचे आएगा, इसलिए माइनस यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अब सुन क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ए पावर फोर सुन ये वन माइनस डी पावर फोर अपॉन ए पावर फोर ऊपर जाके इनवर्स हो जाएगा इनटू एक्स पावर फोर, सुन ये माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अल्टीमेटली सभी टर्म हमारे पास प्लस की आएगी, राइट। तो सुन वन प्लस डी पावर फोर अपॉन ए पावर फोर, फिर ये आएगा डी पावर फोर अपॉन ए पावर फोर का होल स्क्वायर, इस टाइप से हमारे पास इसका एक्सपेंशन आएगा। पर हम जानते हैं सुन एक्स पावर फोर का मैक्सिमम चार बार डिफरेंशिएशन हो सकता है, तो यार ये टर्म और इससे आगे वाली टर्म हमारे पास किसी काम की नहीं है, इस एक्स पावर फोर को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा वन अपॉन ए पावर फोर, सुन ये एक्स पावर फोर होगा, फिर सुन इस एक्स पावर फोर को मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा ये माइनस आ गया तो ये माइनस में लगा देता हूँ यहाँ पे, राइट। और ये आएगा हमारे पास डी पावर फोर इंटू एक्स पावर फोर अपॉन ए पावर फोर हो जाएगा, राइट। सुन एक बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो फोर एक्स क्यूब, दूसरी बार करेंगे तो यार 12x स्क्वायर आएगा, तीसरी बार करेंगे तो 24x आएगा, चौथी बार करेंगे तो 24 आ जाएगा, राइट। तो 24 इसका यहाँ पे क्या आएगा, वैल्यू आएगा, तो सुनिए आएगा माइनस का 1 अपॉन ए पावर 4 एक्स पावर 4, और सुनिए आएगा हमारे पास 24 अपॉन ए पावर 4, यार ये हमारे पास पी ए आ जाएगा। देन फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा, सुन सी ए प्लस पी आई, इन दोनों को जोड़ के लिख दीजिए, मतलब इसको और इसको जो भी हमारे पास पी आई इसको जोड़ लीजिए, आपका आंसर आएगा। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सुन इस क्वेश्चन को देखिए आप, डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर माइनस सिक्स डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। इस क्वेश्चन को देखिए आप क्या करेंगे, एम क्यूब माइनस, पहले सी एफ बताऊंगा मैं आपको, सिक्स एम इज इक्वल टू जीरो, इसमें यहाँ पे एम कॉमन निकाल दीजिए तो आएगा एम स्क्वायर माइनस एम माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, तो इसमें आएगा हमारे पास एम इंटू एम माइनस थ्री इंटू एम प्लस टू इज इक्वल टू हमारे पास जीरो आ जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पे m की वैल्यू क्या आएगी, सुन m की वैल्यू हमारे पास जीरो आएगी, n माइनस टू आएगी, n थ्री आएगी, सुन इसका cf लिखेंगे तो y इज इक्वल टू सी वन ई की पावर जीरो एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस टू एक्स प्लस सी थ्री ई की पावर थ्री एक्स, दिस इज cf। नाउ बात करेंगे सुन pi के बारे में, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर माइनस सिक्स डी। और भाई साहब जब भी ऐसा होता है तो d की सबसे छोटी पावर या कॉन्स्टेंट, अभी कॉन्स्टेंट है नहीं तो 6d है, 6d को कॉमन निकालेंगे, तो सुन यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 6d हमारे पास कॉमन आ जाएगा, ये तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन ही है, ये सुन ये जो 6d है इसको आप आगे लीजिए वन आ जाएगा, एंड देन ये आएगा हमारे पास डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर अपॉन माइनस का 6d, ये 6d यहाँ आ जाएगा, माइनस आगे ले लिया, राइट। ये सुन ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, देन हम क्या करेंगे, चलो मैं लिख देता हूँ वाई इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 6d, ये सुन ये d से एक बार कैंसिल करके उसको ऊपर ले लेता हूँ, तो 1 माइनस ये आएगा डी स्क्वायर माइनस डी अपॉन सिक्स, और ऊपर जाके मैंने इनवर्स लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वन होगा, सुन ये माइनस है ये माइनस, सभी टर्म हमारे पास क्या आएगी एक्सपेंशन में प्लस की आएगी, राइट। तो वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, सुन माइनस का वन अपॉन सिक्स डी, इसका एक्सपेंशन करेंगे तो आएगा वन प्लस डी स्क्वायर माइनस डी अपॉन सिक्स प्लस डी स्क्वायर माइनस डी अपॉन सिक्स का होल स्क्वायर आएगा, इस टाइप से हमारे पास टर्म आती जाएगी और लास्ट में हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, राइट। ये सुन क्या करेंगे, वाई इज इक्वल टू माइनस का वन अपॉन सिक्स डी, यहाँ पे आएगा वन माइनस डी बाय सिक्स को लिख दीजिए प्लस डी स्क्वायर बाय सिक्स, सुन हमारे पास एक्स की हाईएस्ट पावर टू है तो इसका जो डेरिवेटिव होगा दो बार होगा, मतलब इस एक्सपेंशन में डी स्क्वायर तक की टर्म काम की है, और आप देखो सुन जब इसको स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे डी स्क्वायर आएगा, तो सुन ये इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा हमारे पास डी स्क्वायर अपॉन 36, ये आ जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन आएगा, इसमें जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का वन अपॉन सिक्स डी, वन माइनस सिक्स डी बाय सिक्स, और छः को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये आएगा छः और एक सात, तो ये आएगा सेवन डी स्क्वायर अपॉन 36, इसमें यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको मल्टीप्लाई करिए आप तो वाई इज इक्वल टू ये आएगा माइनस का वन अपॉन सिक्स डी, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस का वन बाय सिक्स डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, राइट, प्लस सेवन अपॉन 36, इसमें यह आएगा डी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा, राइट। इसमें क्या करेंगे, वाई इज इक्वल टू माइनस का वन अपॉन सिक्स डी, ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन बाय सिक्स, ये आएगा 2x, और इसको दो बार करेंगे तो एक बार 2x दूसरी बार 2 आएगा, तो ये आएगा 7 इंटू टू अपॉन 36, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे आप तो y इज इक्वल टू ये आएगा 1 अपॉन 6d, इसमें सबसे पहले कांस्टेंट को आगे लिख देते हैं तो ये 14 है तो ये आएगा 7 बाय 18, चलो मेरे पास वेरिएबल को रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, इस x स्क्वायर को ले लीजिए यहाँ पे, इसको करेंगे तो ये आएगा हमारे पास
x by 3 और जब इसको करेंगे तो ये आएगा 7 by 18. Now आप देख रहे हो इसमें 1 by d आ रहा है तो मतलब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक बार जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 by 6 इसमें x square का इंटीग्रेशन x cube by 3 होता है इसका इंटीग्रेशन होता है x square by 2 that is 6 और इसका होगा 7 by 18 x तो इसमें ये आएगा हमारे पास and then final answer यहाँ पे क्या आएगा c a plus b i और इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करते हैं सॉल्व करते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या आएगा m पावर 4 माइनस m स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इट इंप्लाइज m स्क्वायर कॉमन लेंगे तो m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो आप देख रहे हो m की वैल्यू 0 0 एंड प्लस माइनस 1 इसमें ये हमारे पास इसके रूट्स आ जाएंगे देन इसमें इसका जो cf होगा वो हमारे पास होगा c1 प्लस c2x e की पावर 0x प्लस c3 e की पावर x प्लस c4 e की पावर माइनस x का cf हो जाएगा. बात करेंगे pi के बारे में तो e की पावर 2x अपॉन d पावर 4 माइनस d स्क्वायर एंड sin 2x डिवाइडेड बाय d पावर 4 तो सुन इसको लिखता हूं मैं d स्क्वायर इनटू d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर प्लस x सुनिए आएगा d पावर 4 माइनस d स्क्वायर राइट. तीन अलग-अलग फंक्शन आ रहे हैं तीनों को मैंने इस तरह से यहां पे लिख दिया. सुन यहां पे क्या करेंगे जहां पर भी d है वहां पे 2 रख दीजिए क्योंकि e की पावर का रूल होता है कि जहां d 1 2 रख दो जब 2 रखेंगे तो 2 पावर 4 माइनस 2 पावर 2 हो जाएगा तो आप देख रहे हो 16 में से 4 गया तो यार 16 में से 4 गया तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 राइट. इसमें इसके बारे में बात करेंगे तो sin 2x का जब भी हम निकालते हैं तो इसमें यहां पे क्या करते हैं sin वाले केस में है ना तो इसमें जहां पर भी d स्क्वायर होता है वो माइनस 2 का स्क्वायर कर देंगे तो यार माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 4 आएगा इसमें ये भी माइनस का 4 आएगा और ये भी माइनस का 4 आएगा राइट है ना ये माइनस का 4 आएगा क्लियर है तो आप देख रहे हो इसमें यहां पे आएगा 16 और ये भी माइनस माइनस प्लस तो 16 और 4 20 हो रहा है राइट है ना तो ये आएगा हमारे पास sin 2x है ना sin 2x upon 20 हो जाएगा. अब इसको निपटता है इसमें जब भी हमारे पास ये आता है तो हम d स्क्वायर को कॉमन लेंगे राइट जब d स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो चूंकि माइनस है तो इसमें माइनस का 1 by d स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ये बचेगा हमारे पास x upon 1 minus d स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि d पावर 4 upon d स्क्वायर आएगा तो d स्क्वायर आ जाएगा राइट. इसमें यहां क्या करेंगे माइनस का 1 by d स्क्वायर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 1 by d स्क्वायर का इनवर्स इनटू x हो जाएगा पर जब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो रहा है मैं इसको थोड़ा सा यहां लिख लेता हूं तो यार y is equal to हमारे पास ये आएगा e की पावर 2x upon 12 प्लस इसमें ये आएगा sin 2x upon 20 माइनस का 1 by d स्क्वायर इसमें जब इसको करेंगे तो हम जानते हैं माइनस माइनस प्लस तो यार ये टर्म आएगी d स्क्वायर प्लस d पावर 4 ऐसा आता जाएगा राइट पर इसमें हमारे पास x की हाईएस्ट पावर 1 है तो यार ये सब डेरिवेटिव हमारे पास किसी काम के नहीं है x सीधा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y is equal to ये आएगा e की पावर 12 प्लस sin 2x upon 20 इसमें माइनस का d स्क्वायर इनटू यहां पे x हो जाएगा है ना और x का दो बार इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा e की पावर 2x upon 12 प्लस sin 2x upon 20 और इसका एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पे आएगा हमारे पास x स्क्वायर by 2 upon 1 by d आएगा राइट फिर इसका एक और बार इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा e की पावर 2x upon 12 प्लस sin 2x upon 20 इसका करेंगे तो x cube by 3 तो ये सुन यहां पे आएगा upon 6 तो यार ये हमारे पास भी आएगा देन फाइनल आंसर इज ca plus bi इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहां पे सॉल्व करते हैं. सो सुन यार ये क्वेश्चन आपको मैं कमेंट बॉक्स में दे रहा हूं इसका आंसर आपको मुझे सॉल्व करके बताना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा प्लीज ये जरूर बताइए और राइट ऑप्शन मुझे जरूर बताइए एंड सुन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं YouTube पे मेरे जो डिफरेंशियल इक्वेशन की जो प्लेलिस्ट है उस पर वापस मैं काम कर रहा हूं और काफी सारे नए क्वेश्चंस एंड नए चीजें बता रहा हूं इसमें जो पुरानी वाली प्लेलिस्ट है वो आप यहां जाके देख सकते हैं और जो नए वीडियोस अपलोड कर रहा हूं वो आप डिफरेंशियल इक्वेशन के यहां जाके देख सकते हैं. सुन मेरा जो नया चैनल है उस पर मैं काफी सारे शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपके लिए दे रहा हूं तो ये नया वाला चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए और यहां जाके आप मुझे Instagram पे फॉलो कर सकते हैं. थैंक यू सो मच वाचिंग मी लाइक करें शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए. धन्यवाद.